तो कहने का मतलब ये, अरे दोस्त अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं, इनके रोशनी करना, अरे वाह नाइट क्लब में आ गए हम लोग। ये हमारे भाई का। हेलो दोस्तों, तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए ढाबे पे, इटावा से 20 किलोमीटर है, जो अपनी एंजॉय करने आते हैं हम सब सारे फ्रेंड। ये मेरे जीमी भाई हैं फ्रेंड, और ये मेरे ये भी भाई हैं। तो आज हम लोग आए होटल पे पार्टी करने, और पार्टी तो क्या सन्नाटा हो गया आज, क्या है थोड़ा मैटर हो गया था यहाँ पर, तो स्टाफ है नहीं है यहाँ पर, तो सारा मामला एंड हो गया है। तो कुछ थाने तो हम आगे देख रहे हैं, शायद कोई ढाबा हो तो उधर कुछ कर लेंगे हम लोग। अब चलो आगे का आपको दिखाते हैं, बने रहिए है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, देखो सब लौट लौट के जा रहे हैं, ये देखो। बस ये दुकानें खुली हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं आगे ढाबे पे। तो दोस्तों जब भी टाइम मिलता है हम लोग सारे फ्रेंड चले आते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप कितने लोग इस होटल के चाइना वाले हैं, दूर दूर से आते हैं, पर आज मायूस लौटने पड़ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को देखो, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं, इनके रोशनी करना, अरे वाह नाइट क्लब में आ गए हम लोग। ये हमारे भाई का फोर व्हीलर भी और ये नाइट क्लब भी है, अपनी मर्सिडीज। हाँ ये हमारे भाई जान है, अरे खोलो जरा यार, ये हमारे भाई हैं, देखो कितने स्मार्ट लगते हैं यार। ये हमारे और रॉक स्टार भाई हैं। वाओ यार क्या आ रहा है यार उस्ताद, रोशनी आए तो मजा आ गया, देखो लाइटिंग आ रही है, रोड भी ब्लू लाइट जल रही है। जब भी टाइम मिले बस एंजॉय करने पहुंचो अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त हो आप लोगों के, बस एंजॉय करो लाइफ में। क्यों जी भाई कुछ बताओ यार, बिल्कुल 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 कुछ बता दो हमारे YouTube फैमिली को, जिंदगी दोबारा ना मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छे दोस्तों के साथ एंजॉय करो, अच्छे दोस्तों के साथ एंजॉय करो, जैसे हम लोग सब अच्छे हैं, जैसे हम लोग सब हैं। पर हमेशा ध्यान रखो टाइम से घर पहुंचो और टाइम से ही एंजॉय करो, जैसा कि हम लोग जा रहे हैं अपने घर, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं ढाबे पे। जरूर स्टाफ नहीं था, वो फैसिलिटी आज नहीं थी, कुछ उनके घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो बस वो दुकान खुली थी, उधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, वो तो आपको हमने नहीं दिखाई इस ब्लॉग में, पर जहाँ घर जा रहे हैं हम लोग वापस लौट के, तो वही आपको जर्नी दिखा रहे हैं। 4 तारीख को हम लोग कानपुर जाएंगे, और 4 तारीख को इंशाल्लाह यही सारा हमारा ग्रुप, शायद एक आध लड़का इसमें बढ़ जाए, तो हम लोग शादी अटेंड करने जाएंगे आज से 4 नवंबर को, तो वो भी उधर का ही ब्लॉग आपको दिखाएंगे, कानपुर का रिसेप्शन पार्टी कैसे एंजॉय होती है। चलिए दोस्तों भी बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं ढाबा के मेन मेन चौराहे, और लीजिए मजा, चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये ढाबा सिटी का चौराहा है, ये सीधा निकल गया सैफई, और ये सामने इटावा शहर, ऊपर हाईवे निकल गया है, देखिए हाईवे जाना हो तो यहाँ से निकल जाओ अपने। अच्छा एक बात है, और शहरों को देख के अपने इटावा के शहर के अंदर सफाई सुथरा ही बहुत है। हाँ। क्यों भाई, अपने ज्यादा प्लेटफॉर्म हर जगह का नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है। इतना साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, साफ सुथरा बड़ा भी बहुत अपना, बिल्कुल बहुत साफ सुथरा। तो दोस्तों हमारी सिटी आ गई है इटावा, तो आज बातों ही बातों में ऐसा लगा कि यार एक एक चाय और पी जाए, दिल है कि मान ही नहीं रहा था, एक चाय से पेट भरता नहीं है, अपना 2-3 ना मिले, तो सोचा एक जगह चाय और पियेंगे, यहाँ ब्रिज बन गया है। हम लोग तो भैया चाय वाले ही हैं। हम लोग तो चाय वाले हैं भाई, चाय मिले ये समझो खाना मिल गया, और दर्द दर्द बिल्कुल सब चला जाता है। नहीं भाई आप भी लेते हैं चाय दिन भर में एक आध कप? दिन में तो नहीं, एक सुबह लेते हैं, एक शाम को देखते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो भाई मोहब्बत में डबल चाय पी रहे हैं। हाँ हाँ बस बस बस, नहीं तो भाई मधु ना कोल्ड ड्रिंक के बाद चाय पी रहे हैं। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया था। ये देखिए दरगाह की तरफ, एक सेकंड देख लो, तो
माल लगाई ना मैंने दो लोगों की यहाँ पे। अच्छा बहुत मारा हमने बहुत। हमारे टावर की दरगाह है, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ जरूर रुकते हैं, थोड़ी हाजिरी देते हैं 2 मिनट। हाजिरी देंगे यहाँ पर। और ये शहर है हमारा। चलिए दोस्तों बने रहिए। अच्छा अच्छा तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बस एक एक चाय और पी लें उसके बाद निकल रहे हैं घर पे। आज संडे था क्या, कोई था क्या? अच्छा अच्छा चलिए फिर ठीक है भैया, दिखाते हैं आगे। वो उस्ताद कर रहे हैं वो उस्ताद। ये हमारे शहर के इटावा के घोड़ा चाय, तो हम लोग यहाँ की चाय पियेंगे। चाय की बहुत तलब उठ रही थी, हम और हमारा भाई। आप कभी भी रात में आइए, यहीं चहल पहल मिल जाएगी पूरे इटावा। वो खड़े अपने भाई एक जी सामने स्टेशन है दोस्तों। तो दोस्तों अब दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, देखो सब लौट लौट के जा रहे हैं ये देखो। बस ये दुकानें खुली हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं आगे डाक में। तो दोस्तों जब भी टाइम मिलता है हम लोग सारे फ्रेंड चले आते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कितने लोग इस होटल के चाइना वाले हैं, दूर दूर से आते हैं, पर आज मायूस लौटने पड़ रहे हैं। थक जाएगा सूरज ये सफर लाल के रसूल की दोनों।